अभी फिलहाल बिग बॉस दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। इस साल बिग बॉस OTT 3 में ऐसे कंटेस्टेंट बुलाए गए हैं जिनमें दर्शक काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। हर जगह से नए नए खिलाड़ियों को बिग बॉस के गर्भ की एक छत के नीचे लाया गया है। इस बीच मिड वीक नॉमिनेशन भी होने वाला है। बिग बॉस ने घर वालों को जोरदार झटका दिया है। दरअसल बिग बॉस ने सीजन की शुरुआत में ही मिड वीक एविक्शन कर डाला है। जी हाँ, बिग बॉस ने टास्क के दौरान शिवानी कुमारी और नीरज गोयल में से एक सदस्य को घर से बेघर कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि 4 दिन में घर से बेघर होने वाले इस सदस्य का नाम क्या है, आइए बताते हैं आपको। बिग बॉस की खबरें देने वाले खबरी के मुताबिक नॉमिनेशन टास्क के बाद बिग बॉस ने शिवानी और नीरज के लिए वोटिंग लाइन्स खोल दी थी। ये वोटिंग लाइन्स आज दोपहर 2 बजे तक के लिए ओपन की गई थी। वोटिंग लाइन्स के बंद होने के बाद बिग बॉस ने घर वालों को लिव इन एरिया में बुलाया और मिड वीक एविक्शन की खबर दी। बिग बॉस ने वोटिंग लाइन्स खोलने के बाद भी मिड वीक एविक्शन का निर्णय घर वालों के हाथों सौंपा। ऐसे में घर वालों ने शिवानी को सेफ किया और नीरज को घर के बेघर कर दिया। 32 साल के नीरज गोयत हरियाणा के करनाल जिले में बेगमपुर गांव से आने वाले हैं। नीरज पेशे से एक प्रो बॉक्सर हैं जिन्हें WBC एशिया खिताब अपने नाम किया है। नीरज अपने फैंस के साथ अपनी बॉक्सिंग रिंग में और अपनी लाइफ में खास पलों को शेयर करते हैं। यही कारण है कि सोशल मीडिया पर उनकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है। बॉक्सिंग करने के अलावा नीरज फिल्मी सितारों को ट्रेनिंग देने का भी काम कर चुके हैं। उन्होंने तूफान फिल्म के लिए बॉलीवुड एक्टर निर्देशक फरहान अख्तर को मुक्केबाजी की ट्रेनिंग दी थी। साथ ही वो रणदीप हुड्डा, रामचरण और कई बड़े बॉक्सर्स के साथ भी नजर आ चुके हैं।